came, he went through a lot for a long time. He became a meme. He was racially abused. He was hated by a lot. क्या क्या कमेंट्स थे यहाँ पे जो विनीशियस जूनियर के ऊपर नहीं बोले गए। फुटबॉल विल फेल ऑफ अगर विनीशियस जूनियर बैलन डोर जीतते हैं। ही इज अ क्राई बेबी। और भी बहुत सारे कमेंट्स है जो कि विनीशियस जूनियर के ऊपर बोले गए। बट ब्रदर्स कॉल हिम व्हाट एवर यू वॉन्ट टू, बट यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ही इज गोइंग टू विन द बैलन डोर फॉर रियल मैड्रिड एंड ही इज द फेस ऑफ दिस रियल मैड्रिड साइड। विनीशियस जूनियर की अगर आप सेकंड हाफ परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करो तो इट वाज द मोस्ट डोमिनेंट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन। पीक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी परफॉर्मेंस होती थी, वो पीक क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली विनीशियस की तरफ से, जहां पे वो सिंगल हैंडेडली गेम को चेंज कर देता था। दिस वॉज दैट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। व्हाट अ फकिंग प्लेयर मैन। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं यहाँ पे आने से पहले मैं हेनरी को सुन रहा था और हेनरी ने कहा कि दिस इज हिज टीम, विनीशियस जूनियर इज द मेन मैन ऑफ दिस साइड एंड ही इज द मेन मैन ऑफ दिस साइड। डजंट मैटर कि यहाँ पे किलियन एम्बापे खेल रहे हैं, जूड बेलिंगम खेल रहे हैं। किलियन एम्बापे विदाउट अ डाउट वो बहुत बड़े प्लेयर है, बट यहाँ पे रियल मैड्रिड में सिर्फ बड़ा प्लेयर होना इनफ नहीं होता। अगर एम्बापे को यहाँ पे कंपीट करना है मेन मैन के लिए, तो यहाँ पे एम्बापे को वो करना पड़ेगा जो विनीशियस ने दो तीन सालों में रियल मैड्रिड के लिए कर दिखाया, ट्रॉफीज। विनीशियस ने रियल मैड्रिड को दो चैंपियन लीग ट्रॉफीज जिताई है सिंगल हैंडेडली। और अगर एम्बापे को उस डिबेट में आना है रियल मैड्रिड में, अगर उसने अपनी लेगेसी बनानी है, तो सिर्फ नाम का होना काफी नहीं है। यू हैव टू विन ट्रॉफीज फॉर अस। आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे, जैसे विनीशियस जूनियर सिंगल हैंडेडली उसने रियल मैड्रिड के लिए गेम्स जीते हैं। अब आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखो तो सोलारी ने इंट्रोड्यूस करवाया था विनीशियस जूनियर को हमसे, एंड देन जिडान ने उसको कंटिन्यू करवाया डिस्पाइट के उनका जो फाइनल थर्ड था वो बहुत ही ज्यादा पुअर था, बट उन्होंने उन पर कंटिन्यू ट्रस्ट किया जिडान ने। और उसके बाद जिडान के बाद जब कार्लो एंजेलोटी आए, तो जब कार्लो एंजेलोटी पे क्रिटिसिज्म होता है एंड राइटली सो, आई थिंक राइट चीजों पे जब होता है तो जब अच्छी चीजें होती हैं तो वहां पे उनको क्रेडिट भी देना बनता है। अगर मैं यहाँ पे विनीशियस जो आज जिस तरह का वो प्लेयर है, बीस काइंड ऑफ अ प्लेयर, अगर मैं उसका क्रेडिट दूं तो आई थिंक 70-80% या 80-95% वो जाता है कार्लो एंजेलोटी को, जो प्लेयर आज विनीशियस जूनियर है। विदाउट अ सिंगल डाउट कार्लो एंजेलोटी को इसका क्रेडिट जाता है कि विनीशियस जूनियर आज जो है मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से है। एंड ऑनेस्टली ही इज गोइंग टू विन द बैलन डोर ऑन मंडे। आई डोंट केयर भाई, उसको अभी बैलन डोर दे दो, बिकॉज दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सर नीचे काम ऊपर। विनीशियस वॉज अ मीम मटेरियल एट अ टाइम, और विनीशियस को लोग क्रिटिसाइज करते थे, हमारी खुद की फैन बेस क्रिटिसाइज करती थी, एंड आई वाज द वन जो कि कहता था कि उसको लोन आउट कर देना चाहिए। बट विनीशियस का जो टर्न अराउंड हुआ है इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। जिस तरह से मतलब इट्स फील सो गुड टू सी कि एक यंग टैलेंट को आप लेके आए थे व्हेन ही वाज अ बेबी एंड नाउ ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड विदाउट अ सिंगल डाउट। बिफोर वी गो फर्दर, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मस्ट डू दैट and do let us know about your opinion in the comment section. तो मैं यहाँ पे first half की भी बात करूँगा, मैं यहाँ पे lineup की भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको Bundesliga के point table में ले जाना चाहूँगा। और अगर आप इस वक्त situation देखें तो Borussia Dortmund ने total 7 game खेले हैं Bundesliga में, और उन्होंने 14 goal score किए और 12 goal उन्होंने concede किए हैं अब तक। So, कहने का मकसद यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर उन्होंने 14 गोल स्कोर किए तो उन्होंने 12 गोल कंसीड भी किए हैं, एंड दैट वाज द रीजन मुझे लगता है कि लुका मॉड्रिच का डबल पिवट में यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था फेडे वेलवर्डे के साथ। आई लव लुका मॉड्रिच, बट मुझे लगता है कि हाई इंटेंसिटी गेम में मॉड्रिच की जगह पे आप अपने यंगस्टर्स को कमाविंगा या ओरिलियन चोआमेनी उनको आप स्टार्ट करवा सकते हो। आई थिंक इन माय ओपिनियन मॉड्रिच शुड नॉट स्टार्ट इन दैट गेम। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट इनफ होते हैं लुका मॉड्रिच के लिए अगर आपने उनको रोल देना भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट बैक पोजिशन पे। तो राइट बैक पोजिशन पे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता कि रियल मैड्रिड की ये जो एकेडमी है, ये एकेडमी पैसे बनाने के अलावा इसका और काम क्या है? बिकॉज काफी टाइम हो गया है हमने नहीं देखा कि इस एकेडमी ने कोई प्लेयर दिया हो रियल मैड्रिड को, या इवन के इस रियल मैड्रिड मैनेजमेंट ने, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने, जूनी कलाफात ने
इन्होंने कोई एकेडमी का एक टैलेंट पकड़ा हो और उस पर ट्रस्ट किया हो। मतलब आप मुझे ये कह रहे हो कि एकेडमी में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि विनीशियस जूनियर से बेटर फुटबॉल खेल सके, या एटलीस्ट आप उसको ट्राई करके तो देखे। देखे मेरा झगड़ा कार्लो एंजेलोटी, अब लुकस वाल्गस को आप खिलाए जा रहे हो, ठीक है आप लुकस वाल्गस को अपना फर्स्ट चॉइस रखो, मैं नहीं कह रहा कि आप एकेडमी से एक प्लेयर लेके आओ फिर आप उसको डायरेक्टली स्टार्ट करवा दो, बट यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप उसको एटलीस्ट मिनट दे सकते हो। बार्सिलोना की प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने है, हंसी फ्लिक कितने अकेडमी के लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कैसाइडो जो है वो रिसेंटली बार्सिलोना के लिए डीएम पोजिशन पे खेल रहे हैं। सो अगर आप अपने यंगस्टर्स को चांसेस नहीं दोगे तो वो अपने आप को प्रूव किस तरीके से करेंगे, और अगर इस पोजीशन में आके आप चांसेस नहीं दोगे तो आई डोंट नो फिर आप किस पोजीशन में आके अपने एकेडमी प्रोडक्ट्स को फिर यूटिलाइज करोगे। आई थिंक इट्स हाई टाइम, डेफिनेट टाइम कि हमें यहाँ पे अपने एकेडमी के लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, और राइट बैक तो मस्ट इन माई ओपिनियन कि उसको आपने चांस आपका देना बनता है इन द फर्स्ट टीम, एटलीस्ट आप उसको मिनट्स दे के देखें, अगर वो अच्छा करता है देन आप उसको मिनट्स जो है उसके कंटिन्यू करें। एंड आई एम श्योर कि एकेडमी में होंगे कुछ ना कुछ लड़के जो कि आके फर्स्ट टीम के लिए अच्छा करें। अब मैं फर्स्ट हाफ की यहाँ पे बात करूंगा तो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की अगर आप यहाँ पे बात करो तो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस वर्स्ट हाफ था इन माय ओपिनियन। अगर आप इस सीजन की बात करो, एवरी सिंगल प्लेयर किलियन एम्बापे से लेके विनीशियस तक, विनीशियस से लेके जिस भी प्लेयर का आप यहाँ पे नाम लो तो देवर टेरेबल, देवर डिसगस्टिंग फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस। आई थिंक ये हमारा पैटर्न ही बन गया है कि हम जनरली तो अच्छा नहीं खेल रहे, ओवरऑल हम अच्छा नहीं खेल रहे, 12-13 गेम्स हो गया, कार्लो एंजेलोटी अभी तक फिगर कर रहे हैं कि हमें किस फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए, हमें किन प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए, वो चीज़ तो है बट हम लोग स्लो भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ की अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो तो फर्स्ट हाफ में हम स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इंटेंट हमें नहीं दिखती, प्लेयर ऐसे लगता है कि देवर स्लीप, और फिर जब सेकंड हाफ शुरू होता है तो सेकंड हाफ में वी प्ले सम बेटर फुटबॉल। और आज के गेम की अगर आप यहाँ पे बात करो तो दिस वाज पीक रियल मैड्रिड काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, और बहुत ही कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। बट फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर थिबो कोर्तवा, मुझे लगता है कि एवरी प्लेयर वर शिट, और थिबो कोर्तवा अगर नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि वेयर वी वुड हैव बीन। हम यहाँ पे 3-4 गोल इजीली कंसीड कर सकते थे अगर थिबो कोर्तवा नहीं होते। इट्स अ डेली रूटीन फॉर हिम, जिस तरीके के वो सेव आके करता है, ही मेड इट लुक सो इजी फॉर हिमसेल्फ। सेकंड हाफ की अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करो और शुरू के 5-10 मिनट की बात करो तो आई थिंक 5-10 मिनट में वी वर बैड, और वहां पे बोरुसिया डॉर्टमुंड पुश कर रही थी थर्ड गोल के लिए, और ऐसे लग रहा था कि रियल मैड्रिड आर 2-0 अप। बोरुसिया डॉर्टमुंड वहां पे कोशिश कर रही थी टू किल द गेम, बट सिंस दैट किलियन एम्बापे का वो जो असिस्ट था टू रूडिगर जहाँ पे अनमार्क थे, आई थिंक उसने पूरा गेम जो था वो चेंज करके रख दिया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से रियल मैड्रिड ने फिर पानी पीने भी नहीं दिया बोरुसिया डॉर्टमुंड को। रियल मैड्रिड ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को डोमिनेट किया इन द सेकंड हाफ। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड हाफ के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सेकंड हाफ के अगर आप 5-10 मिनट शुरू के उठा के देखो तो आई थिंक वी वर बैड इन माई ओपिनियन। शुरू के 5-10 मिनट में ऐसे लग रहा था कि बोरुसिया डॉर्टमुंड प्रेस कर रही है, और बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पे अब हो सकता है कि वो थर्ड गोल भी स्कोर कर ले, और ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड आर 2-0 अप जिस तरीके से बोरुसिया डॉर्टमुंड शुरू के 5-10 मिनट में खेल ली थी। बट किलियन एम्बापे का वो जो असिस्ट था, वो जो क्रॉस था किलियन एम्बापे का, रूडिगर अनमार्क थे और उनका गोल, आई थिंक दैट चेंजेस एवरीथिंग फॉर रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड ने फिर जो था वो गेम डेफिनेट डोमिनेट किया, और बोरुसिया डॉर्टमुंड को गेम में वापस आने का मौका भी नहीं दिया। बट मुझे लगता है कि वहां पे नूरी ज़हीन के जो टैक्टिक्स थे मुझे लगता है कि वो भी डिजास्टर्स थे। आप सेंटियागो बर्नाब्यू में बस जो है वो पार्क नहीं कर सकते इन द 60th मिनट, ठीक है यू आर 2-0 अप बट यू कैन नॉट डू दैट एट द सेंटियागो बर्नाब्यू। उन्होंने ये जो सबसे पहली जो मिस्टेक की, उन्होंने बस उन्होंने पार्क की, और सेकंड जो उन्होंने मिस्टेक की वो की गेटेंस को उन्होंने सब्सिट्यूट किया। आई थिंक दैट वाज बोरुसिया डॉर्टमुंड्स मेन प्लेयर, मुझे लगता है उनको उन्होंने सब्सिट्यूट किया, और उनके साथ साथ ब्रांड भी थे। आई थिंक दे वर टू, अगर आप इन दो प्लेयर्स की बात करो तो मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेयर्स थे बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए, बट उनका जो सब्सिट्यूशन था देर वॉज नो पॉइंट फॉर दैट, और आप बस जो है वो पार्क नहीं कर सकते रियल मैड्रिड के अगेंस्ट,
और आपके पास ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है जो कि वो फुटबॉल खेल सके जो कि आप उनको खिलाना चाह रहे थे। सिट एट द बैक एंड देन काउंटर्स पे अगर कोई चांस मिले तो रियल मैड्रिड को हिट करें। सो आई थिंक दैट वॉज द मिस्टेक ऑफ ब्रूसिया डॉर्टमुंड। बट रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में वन टॉप नॉच, इंटेंट हमें देखा, प्लेयर्स को ऐसे लगा कि झिझोड़ा है, या तो कार्लो एंजेलोटी ने झिझोड़ा है या प्लेयर जो है उनको उनके खुद के जो आंखें थी वो खुली हैं और उन्होंने इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी। इट वॉज ब्रिलियंट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस और काफी टाइम बाद मैंने देखा ऑनेस्टली रियल मैड्रिड को इस तरह की फुटबॉल देखते हुए। आंखें तरस गई थी रियल मैड्रिड को इस तरह से देखने के लिए, एंड इट सो गुड, फील सो गुड टू सी रियल मैड्रिड प्ले दिस काइंड ऑफ फुटबॉल। और मैं या हम में से कोई भी अगर जो क्रिटिसाइज करते हैं टीम को, कार्लो एंजेलोटी को, तो उसकी सिर्फ क्रिटिसिज्म की वजह यही होती है कि हमारी टीम बेहतर करे। क्रिटिसिज्म हमारा कोई जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो डेफिनेट है कि वो चीज़ पॉइंट आउट होगी और वो चीज़ पॉइंट आउट होनी भी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम सुनते रहते हैं कार्लो एंजेलोटी से कि हमें डिफेंसिवली बेहतर होने की ज़रूरत है और हमें कॉम्पैक्ट होने की ज़रूरत है डिफेंसिवली, बट दिस इज मीनिंगलेस अगर आप डिफेंसिवली अगर आप बेहतर नहीं कर रहे। आई मीन व्हेन वी आर गोइंग टू सी रियल मैड्रिड के वो डिफेंसिवली बेटर करे रियल मैड्रिड। अब ये चीज मैं काफी टाइम से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैं ये चीज काफी टाइम से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि रियल मैड्रिड की जो बैकलाइन है उनकी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी होती है मिलिटाओ में, और मिलिटाओ का लॉन्ग बॉल टू विनीशियस जूनियर, टू किलियन एम्बापे, टू जूड बेलिंगम। हमने रेयरली देखा है इन 3-4 सालों में जब से कार्लो एंजेलोटी आए हैं कि हमने बैक से कोई बिल्डअप किया हो, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। हमें इस चीज पे काम करना पड़ेगा, हमें अपने बिल्डअप पे बैक से काम करना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम हुआ है हमें देखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अब मैं यहाँ पे किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। आई थिंक किलियन एम्बापे की अगर आप परफॉर्मेंस बात करो तो 2 असिस्ट इन अ गेम आई थिंक शार्प लगे, वो प्रोडक्टिव लगे, और मेरे ख्याल से दिस वॉज किलियन एम्बापे बेस्ट गेम। और अगर आप केमिस्ट्री वाइज बात करें तो दिस वॉज इज बेस्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि इस गेम में मुझे लगता है कि उनकी केमिस्ट्री जो विनीशियस के साथ थी वो बेटर थी, शार्प लग रहे थे, प्रोडक्टिव लग रहे थे, 2 असिस्ट उन्होंने किए। इट्स जस्ट स्टार्ट एंड आई होप कि ये जो चीजें हैं किलियन एम्बापे इस चीज को लेके आगे चले। और ये मिस्टेक्स ही रियल मैड्रिड ने जो आज के गेम में की, इन माई ओपिनियन आई थिंक अभी भी अलार्म बेल जो है वो बज रहे हैं, अभी भी हमें बहुत सी चीजों पे काम करने की जरूरत है डिफेंसिवली सब चीजों पे। और जो अगला गेम है वो एल क्लासिको, और आप सबको पता है कि क्लासिको कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई होप कि हम क्लासिको में बेटर परफॉर्म करें। हांसी फ्लिक की फुटबॉल का हम सबको पता है कि हांसी फ्लिक की फुटबॉल आर या पार वाली फुटबॉल है, वो हाई लाइन में फुटबॉल खेल रहे हैं जितना मैंने उनको देखा हुआ है। तो अगर आप पिछले साल देखो तो पिछले साल शावी ने भी हाई लाइन फुटबॉल खेलने की कोशिश की थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और काउंटर्स में हमने रियल मैड्रिड हमने बार्सिलोना को खोल के रख दिया था। सो वी गॉट दैट प्लेयर्स, वी गॉट द क्वालिटी जो कि बार्सिलोना को काउंटर्स पे हिट कर सके अगर इसी तरीके से वो अपनी फुटबॉल खेलते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट ये चीज़ें हैं मुझे लगता है कि जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने एकेडमी प्रोडक्ट्स को चांसेस देने चाहिए, अब भी नहीं तो फिर हम कभी भी नहीं दे सकते। दिस इज़ द बेस्ट गोल्डन चांस फॉर अस कि हम अपने एकेडमी प्रोडक्ट्स को चांसेस दें। बाकी दैट वॉज प्रीटी मच इट। डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है रिगार्डिंग द गेम, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि करनी चाहिए अगेंस्ट बार्सिलोना। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।